से मैं आप दोबारा एक बार और आना, और अगर गलत हो तो पेशाब से मुझ कटवा दूंगा। जगह जगह नशे का कारोबार फैलाया है, वोटरों को लुभाने के लिए लोग पैसे भी देते हैं। जीरो है, जीरो जीरो, और गोलियां चल रही है। अरे उनकी बात का क्या जवाब दूं मैं, सब पब्लिक बगड़ रही है। इस सनातन धर्म की बात करने वाली जो पार्टी है वो भाजपा है। राजस्थान अपने भव्य किलों और प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ रेत के पहाड़ों के अलावा बर्फ के पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। हमारी मौजूदगी है राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट पर, जिसे मार्बल मंडी कहा जाता है, क्योंकि एशिया की सबसे मार्बल मंडी जो है किशनगढ़ में मौजूद है। यहाँ हम जानेंगे आज जनता से जनता के रुझान, जनता के दिल की बात। तो चलिए चलते हैं जनता जनार्दन के बीच और वहाँ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो हम आ पहुंचे हैं किशनगढ़ विधानसभा सीट और जनता जनार्दन के बीच हमारी मौजूदगी है। चलिए यहाँ से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालना शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मालाकर। क्या लगता है किशनगढ़ में इस बार क्या रुझान लग रहे हैं आपको? रुझान लग रहा है बीजेपी का। कैसे? बीजेपी ने अगली बार काम कराया था। क्या काम करवाया था? देखो अभी जो वर्तमान एमएलए है ना, उन्होंने नशों का कारोबार फैलाया यहाँ पे किशनगढ़ में, जगह जगह नशे का कारोबार फैलाया और गोलियां चल रही है, सब इन्हीं की देन है। क्या नाम है आपका? सत्यजीत चौहान। सुनने में ये आया कि अभी यहाँ पे एमडीए ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी हाईवे के उस साइड, सच है ये बात? बिल्कुल सच है। मतलब किस आधार पर बोल रहे हो आप? नशे का कारोबार किशनगढ़ में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और क्राइम में नंबर वन होता जा रहा है। मतलब आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, हाईवे पे एमडीए ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, नशों के कारोबार पे कोई लगाम नहीं लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ की नशा पूरे नगर में युवाओं को ग्रस्त में ले लिया है। यह नशा का कारोबार अत्यंत अधिक 5 साल में बहुत बड़ा है और इससे लोगों को जो युवा है वो नशे की लत में लग चुके हैं और ये किशनगढ़ की जनता को, ये युवाओं को बर्बाद कर रही है। इसलिए इस बार किशनगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। क्या नाम है आपका? किशन गोपाल प्रजापति। क्या कारण रहा कि 2018 में जो है सीट किशनगढ़ निर्दलीय में आ गई? कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है कि वोटरों को लुभाने के लिए लोग पैसे भी देते हैं और कांग्रेस का हमेशा से यही रहा है कि पैसे देकर खरीदा जाए, लेकिन जो धरातल पे काम है वो दिख रहा है लोगों को क्या हो रहा है। नशे की हालत पड़ रही है लोगों को, गोलियां चल रही है किशनगढ़ में भी। तीन नशे के अलावा और कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या आतंकवादियों का ज्यादा खतरा, आतंकवादी मतलब जैसे गोलियां चल रही है, हर घर के अंदर घुस के गोलियां चल रही है। कुछ दिन पहले अब क्या सुनने में ये भी आया था कि हॉस्पिटल के यहाँ पे दंगेबारी हो गई थी, गोलियां चल रही थी। ये सब कांग्रेस का देन है, उनको शरण यही देते हैं। तो कांग्रेस का देन है जो मौजूदा विधायक है, अभी उन्होंने कुछ नहीं करवाया? वो भी कांग्रेस की ही देन है, वो उनके साथ ही है। क्या नाम है आपका? कालू राम मेरा। किसको वोट करोगे? भाजपा को। क्यों भाजपा को? क्यों भाजपा को क्यों करेंगे? उसके बाद में जो 5 साल निर्दलीय विधायक रहे उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, ये तो आका है। और सब पब्लिक बगड़ रही है, नशेदार हो रहे सारे आदमी, कम से कम 90% नशे, बच्चा बच्ची कोई सा भी हो 15 साल से लेके 25 साल तक बच्चा सारे नशे नशे में है ना, उसके अलावा कोई भी नहीं। क्या कहते हो आप, कितने नंबर देते हो एमएलए को? किनको? एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर देते हो? क्या क्या विकास कार्य करवाए? किशनगढ़ से भाजपा निकल रही है, मतलब निश्चिंत कैसे हो? निश्चित है मतलब। क्या नाम है सर आपका? कुणाल शर्मा। आप बताओ क्या समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पे, और जो निर्दलीय से यहाँ जो विधायक है सुरेश टाक, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाया और जो करवाया उनसे संतुष्ट हो या नहीं हो आप? किशनगढ़ में वर्तमान में बहुत सी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है इस वक्त, और आपराधिक घटना के साथ साथ में नशा चरम सीमा पर है, जिससे जनता का बहुत विरोध है। जिससे जैसे कि 2-4 दिन पहले ही, परसों या पहले रोज गोलियां चली थी घर के अंदर, और कुछ समय पहले बहुत सारे आपराधिक घटनाएं हो रही है, इससे हम नाराज हैं। क्या नाम है आपका? शर्मा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ क्या विकास कार्य हुआ है? मूलभूत को अपन देखें तो जैसे अपना राजकीय एग्नाइंस हॉस्पिटल है वो जिला अस्पताल हो गया है, पर अपन अभी आप जाके देखोगे तो वहाँ सोनोग्राफी अभी भी बंद है, जो कम एकदम मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी यहाँ कुछ भी नहीं है, आप नोट करिए, खुद जाके आप ग्राउंड पर देखिए, आप देखेंगे ट्रॉमा यहाँ नहीं है। ट्रॉमा में आप जाएंगे कोई भी कोई इंजेक्शन लगा देता है, कोई भी कोई डॉक्टर खुद की सीट पर नहीं होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ नहीं करवाया? उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है यहाँ। आप किस बार वोट कर किसको वोट कर रहे हो? वोट भाजपा का ही करूँगा।
भाजपा कांग्रेस की, भाजपा मेरे को लगता है कि भाजपा जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, जब से आप देखिए के स्वास्थ्य में आप देखते जाएंगे कहीं ना कहीं, एसएमएस देखिए, एसएमएस में ग्राउंड लोड पर आप देखोगे तो वहाँ इतना ना तो सफाई है, ना कुछ है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है प्रॉपर रूप से नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? राकेश काकड़ा मेरा नाम है। सर किसको वोट कर रहे हो आप? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा और मैं पूर्व में नगर परिषद में उपसभापति भी रहा हूं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारियां हैं भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय होकर जाए। और जहां तो भाजपा को क्यों करोगे? भाजपा को इसलिए करूंगा कि सनातन धर्म की बात करने वाली जो पार्टी है वो भाजपा है, और दूसरा आज राम मंदिर जब बन रहा है तो हम हिंदू होके या सनातन धर्मी होके हम हमारी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे तो शायद इस देश में कौन देगा। नरेंद्र भाई मोदी ने आज जो आयाम स्थापित किए हैं उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर हम लोग सदा ये चाहेंगे किशनगढ़ में भी भाजपा का। किशनगढ़ क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, जनता को समस्याओं से निवारण मिला है? एक्चुअली क्या है, देखो कुछ वादे ऐसे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जहाँ कुछ सड़क भी बनी, एक सड़क की गणना विधायक महोदय भी ज़्यादा करते हैं यहाँ कि मैंने सड़क बना दी, लेकिन सड़क तो बना दी लेकिन दोनों तरफ इतना डूब क्षेत्र बना दिया कि शायद उन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए गए थे उन पे वादा खिलाफी हुई है या वादे पूरे हुए? पूरा खिलाफी हुई है सारी, पूरा खिलाफ हुआ वादा। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया धरातल के ऊपर, केवल एक दिगेनाने के लिए एक सड़क नजर आती है किशनगढ़ की, इसके अलावा कोई वादा पूरा नहीं हुआ ऐसा। तो विकास कार्यों में आने वाले समय में आप किन विकास कार्यों की उम्मीद करते हैं? मैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, अभी बना हुआ है, विधानसभा में भी हमारी सरकार जब बने तो हम सदा ये कोशिश करेंगे। हमारे शहर में आज यहाँ गायनिकवाड़ की एक प्रॉब्लम है तो गायनिकवाड़ की व्यवस्था भी यहाँ करवाएंगे, उसके बाद में हमारे यहाँ बस स्टैंड की प्रॉब्लम है उसको भी कराएंगे, और बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम का निर्माण हम लोग करवाएंगे जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ जी सर, क्या लग रहा है किशनगढ़ में, क्या चुनावी माहौल है, किस तरफ रुझान लग रहा है? किशनगढ़ के अंदर जो गत विधायक से क्षतिपूर्ति हुई, अक्षति हुई, उस अक्षति को पूरी करने के लिए बीजेपी का एमएलए बनने के कगार पे है, और बीजेपी का एमएलए बनेगा तो हमें राष्ट्र की चिंता करते हुए श्रीमान मोदी जी को मजबूत करने के लिए ये प्रथम सीढ़ी है राजस्थान विधानसभा की, जहाँ से राज्यसभा के मेंबर चुन के जाते हैं, उन राज्यसभा के मेंबरों को चुनने के लिए यहाँ का विधायक भी जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ का विधायक बीजेपी का बनेगा तो वो राज्यसभा के लिए मतदान करेंगे, मतदान करेंगे तो मोदी जी को मजबूती मिलेगी, मोदी जी को मजबूती मिलेगी तो हिंदुत्व का, सनातन का वहाँ बिल पास होगा। और इस विधायक ने तो सीए और एनआरसी का विरोध किया तो ये सनातन का विरोध करने वाले कभी एमएलए बन सकते हैं? अब नहीं बनेंगे। इतने निश्चिंत कैसे हो आप कि ये नहीं बनेंगे? निश्चिंत इसलिए है कि हम सनातनी हैं और सनातन में विश्वास रखते हैं और बीजेपी सनातन में विश्वास रखती है, और बीजेपी के कोई भी दो काम जो इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने बहुत जरूरी है जनता के लिए। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब जो भागीरथ जी चुन के जाएंगे वो तो निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन उनके जो विकास पूर्व के विधायक में हुए हैं 19 टंकियां उन्होंने बनाई है, पानी की टंकियां बनाई है, और पूरे किशनगढ़ की हर गली के अंदर सप्लाई माननीय भागीरथ जी चौधरी ने टाइम पे करने का व्यवस्थित हर कर रही की थी, और अभी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं आ रहा समय पे, टंकियां बनने के बाद बीसलपुर में पर्याप्त मात्रा में पानी होने के बावजूद किशनगढ़ में 8-8-10 दिन से पानी नहीं आता है, कोई पता आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ 18-13 से 18 के बीच में भागीरथ जी ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अपने वो अमरामने रोड की इतनी पुलिया, वहाँ से वो अवैध अतिक्रमण कर रखे लोगों को सफाया करना, और 5 हॉस्पिटल, 9 टंकियाँ, छोटे छोटे सिटी डिस्पेंसरी, किसी पब्लिक का हर कोने में, मतलब हॉस्पिटल में भीड़ नहीं हो इसके लिए पूरी भागीरथ जी ने 5 छोटे छोटे अस्पताल बनवाए। मौजूदा वर्तमान में जो यहाँ से विधायक है उन्होंने कुछ नहीं करवाया? जीरो है, जीरो जीरो। शहर में कुछ भी नहीं कराया, शहर में कुछ भी नहीं, शहर के अलावा और दूसरे एरिया में कुछ भी नहीं, एक सड़क दिखा रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा। किसकी सरकार चाहते हो इस बार? सरकार कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, गिनाइए जैसे एक दो काम गिनाइए कांग्रेस के। बिल्कुल, कांग्रेस ने स्वास्थ्य बीमा गारंटी योजना, स्वास्थ्य के लिए राजस्थान के नागरिकों को लाभान्वित किया है, 25 लाख बीमा किया है, 15 लाख की गारंटी दी है, और अभी
नया जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है उसमें कांग्रेस ने 25 लाख की गारंटी को बढ़ाकर 50 लाख की कर दी है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए यह अहम बात होती है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में यहाँ पे किया है कांग्रेस ने काम? हाँ, कांग्रेस ने पूरे राजस्थान प्रदेश में 300 अभी अभी बोल लेना पेपर लीक किया, सब जगह होता है, बलात्कार होता है राजस्थान में पेपर लीक का। युवा के जवाब दीजिए इनकी बात का। अरे इनकी बात का क्या जवाब दूँ, पेपर लीक कहाँ नहीं होता, ये तो सडनली घटनाएं हो जाती हैं। बलात्कार होता है, क्यों होता है बाबूजी, ऐसी बातें बोलनी चाहिए क्या आपको? बलात्कार के बारे में ऐसा आप बताता हूँ, बलात्कार होता है यहाँ राजस्थान में नहीं, सारे देश में होता है। ये मानवीय अगर सारे देश में होता है तो फिर कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पे क्यों सवाल उठाती है? हम बीजेपी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम कांग्रेस की अच्छी योजनाओं के लिए कह रहे हैं। प्रियंका गांधी प्रतापगढ़ की घटना पर तो कुछ नहीं बोलती है? मैं प्रियंका गांधी से इतने उच्च लेवल का नहीं हूँ कि मैं प्रियंका गांधी की टिप्पणी करूँ, मैं मोदी जी पर टिप्पणी करूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मेरी जो सोच है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है आज तक के इतिहास में। आई एम 67 ईयर ओल्ड, मैंने इतनी बढ़िया सरकार कभी नहीं देखी कि जितना काम इस बार हुआ है, राजस्थान के लोगों को लाभ मिला है, इसलिए कांग्रेस आएगी। जो योजना कांग्रेस पार्टी ने कागजी तौर पर उतारी थी वो धरातल पर उतार रही है? राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो 2018 में मैनिफेस्टो दिया उसका 90% पूरा कर चुका है। 100 क्यों नहीं हुआ, 90 क्यों हुआ? कोई जरूरी नहीं है, हर आदमी 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकता, 100 में से 50 भी आती है। अधिकतर राजस्थान में भीलवाड़ा में बच्ची के 7 साल की बच्ची के साथ कुछ नहीं मिला, बेरोजगार भत्ता का भी लोभ दिया था लेकिन नहीं मिला हम जैसे युवा। आप दीजिए, ये बोल रहे कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, किसने नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने युवाओं के लिए कैसे नहीं किया? युवा ऐसा वो बोल रहे हैं, उनकी बात का जवाब दीजिए। अरे उनकी बात का क्या जवाब दूं मैं, युवाओं के लिए कांग्रेस ने वो काम किया। आप सुनो ना, जवाब क्यों नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप बोलिए इतना। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं, क्या बोलो? युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया ऐसा वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ युवाओं के लिए बहुत काम किया है कांग्रेस सरकार ने। युवाओं को राजस्थान सरकार ने कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक की समस्त बच्चियों की बालिकाओं की फीस माफ कर दी। 12वीं क्लास पास करते ही कॉलेज में जो बच्चा आता है उसको लैपटॉप मुफ्त दे रही है सरकार, ताकि वो टेक्निकल घोषणा नहीं है अभी तक तो घोषणा किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, कांग्रेस के डॉक्यूमेंट घोषणा नहीं है सरकार ने। स्कूल की बात की जाए तो यहाँ 10वीं तक है, 12वीं तक है, लेकिन मास्टर उसमें 3 या 2 ही है। ये किशनगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की बात है। अभी तक यहाँ पे मौजूदा विधायक जो है सुरेश टाक, उन्होंने जितने भी विकास कार्य करवाए उनसे संतुष्ट हो आप? मैम पहली बात तो ये सुरेश जी टाक साहब ने काम कराया, लेकिन व्यक्ति विशेष आज वो ये कहते हैं कि मैंने अपने साथ काम कराया, लेकिन ये उनकी गलत सहमति थी। काम कांग्रेस ने करा है, जो भी करा है गहलोत साहब ने, सचिन जी पायलट साहब ने, इन्होंने मिलकर काम कराया है, लेकिन आज केवल वो ये कहते हैं कि मैंने अकेले ने काम करा, वो उन्होंने नहीं करा है। तो आज हमने किशनगढ़ विधानसभा सीट पर जनता का मूड जाना, चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, चुनावी समीकरण जाने, गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन अगर 2018 के चुनाव की बात करें जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, जहां से निर्दलीय विधायक जो थे सुरेश टाक, उन्होंने जीत दर्ज की थी। जनता के हिसाब से सुरेश टाक कि जितने भी काम करवाए थे उनसे जनता संतुष्ट दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे तो कुछ दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2018 के चुनाव को देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो फिलहाल द नगरी न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई विधानसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।